कसरत करने से आपका वजन कम होता है, आप फिट रहते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कसरत करने से आपका मूड भी अच्छा रहता है? जी हाँ, ये रिसर्च कहती है कि जो लोग कसरत करते हैं, नियमित कसरत करते हैं, उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे। एक्सरसाइज पारस का पैशन और प्रोफेशन दोनों ही है। पारस ने अपने पैशन को प्रोफेशन तब बनाया जब वो समझ गए कि फिटनेस उनके लिए बहुत अहम है और आज वो 25 साल की उम्र में खुद एक जिम के मालिक हैं। ऐसे में उनके लिए कसरत करना और जिम में वक्त बिताना रोज की बात है। आप शायद सोचें कि रोज कसरत करके पारस बोर हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे उलट, अगर पारस एक दिन भी कसरत नहीं करते तो उनका दिन अधूरा रह जाता है। फिटनेस इज अ रूटीन फॉर मी एंड इफ आई डोंट वर्क आउट तो मुझे लगता है कि आज दिन अधूरा है, कुछ पूरा नहीं है एंड मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। पारस की तरह कसरत को जिंदगी का हिस्सा बनाने वालों को सिर्फ कसरत के फिजिकल फायदे ही नहीं मिलते, कसरत मेंटली भी उन पर काफी असर डालती है। कई रिसर्च ये साबित करती है कि कसरत करने से इंसान खुश रहता है। डॉक्टर तो कसरत के फायदे गिनाते गिनाते थक जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। वो ब्लड फ्लो अच्छा होने से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बहुत बेटर होता है। इससे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्लीप एपनिया, ये सब बीमारियां तो कम होती ही हैं, साथ में स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, गर्दन का दर्द, सुनपन, हाथ पैरों की कमजोरी, तनाव, फटीग, ये सब भी कम होता है। अगर कसरत और मिजाज यानी मूड के बीच का रिश्ता आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको एंडोर्फिन्स के बारे में जानना जरूरी है। एंडोर्फिन्स कसरत के दौरान हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले वो केमिकल्स हैं जो कसरत से जुड़े दर्द और थकान को तो कम करते ही हैं, साथ ही इनकी वजह से इंसान को बेहद अच्छा एहसास होता है जिससे वो खुश महसूस करता है। नियमित तौर से कसरत करने वालों का जीवन की तरफ सकारात्मक रुख रहता है और वो तनाव और डिप्रेशन के शिकार नहीं बनते। एक्सरसाइज जो है हमारे दिमाग पर भी बहुत असर करती है और हमारा मूड, हमारी सेंस ऑफ अच्छा लगना या वेलबींग, हमारी याददाश्त तक पर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। एंडोर्फिन ही वो वजह है जो कसरत करने वालों में कसरत के जुनून के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हर चीज हद या सीमा के अंदर ही हो तो सही है। कसरत भी उतनी ही कीजिए जितने आपके शरीर को चाहिए। रिसर्च कहती है कि कुछ लोगों पर इन एंडोर्फिन्स का नशा ऐसा छाता है कि उन्हें जैसे कसरत की लत पड़ जाती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा कसरत करने के अपने नुकसान हो सकते हैं। आप सालों तक लगातार एक्सरसाइज करें या आप घंटों एक्सरसाइज करते रहें और आप अचानक से एक्सरसाइज को छोड़ दें तो बहुत सारे लोग अच्छा महसूस करना बंद कर देते हैं, उदास हो जाते हैं या बोझिल सा महसूस करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड फ्लो की आदत उनकी बॉडी को पड़ गई है और एनर्जी जो वो कंज्यूम करते हैं उसे बर्न करने की आदत उनकी बॉडी को पड़ गई है, वो होना बंद हो जाता है। तो वो एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगती है, बॉडी की जो टॉटनेस है वो जाने लगती है, बॉडी थोड़ी ढीली ढीली होने लगती है और जो एंडोर्फिन्स उनके रोज के एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उन्हें आधा एक घंटे का बहुत खुशी का एहसास बॉडी में जनरेट करते हैं, आराम का एहसास जनरेट करते हैं, वो बंद हो जाते हैं अचानक से। तो बॉडी उनके बिना रहने की आदी नहीं होती, तो किसी और काम से बॉडी को वो सब जनरेट करने में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय तक वो लोग अच्छा महसूस नहीं करते। सेहतमंद रहने के लिए कितनी कसरत चाहिए ये हम आपको बताते हैं। शुरुआत में 5 मिनट हल्की फुल्की कसरत और स्ट्रेचिंग के साथ वार्म अप करना जरूरी है। पहले के 3 से 4 दिन 20 से 30 मिनट की तेज वॉक हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी है और फिर 5 से 10 मिनट का कूल डाउन जिसमें अपनी वॉक की रफ्तार धीमी कर दें और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करें। एक बार जब आप इसके आदी हो जाएं, तो अपनी कसरत के लेवल को बढ़ाएं 5 मिनट के वार्म अप के बाद 30 से 40 मिनट तक वॉक या फिर एरोबिक्स या साइकिलिंग करें। किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग शुरू करें। 10 मिनट का कूल डाउन अभी भी जरूरी है। अगर आप कसरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा और नियम बना लेंगे तब आप जानेंगे कि कसरत सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही फायदेमंद नहीं, ये आपको देगी एक नया आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी।